आपको बताना किस धर्म से वो रिलेट करते थे, किससे वो एसोसिएटेड थे। तो केवल जो थे वो थे जैन धर्म से। हमने जो बेसिक हमारी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट थी जिसमें मैंने आपको पेड क्लासेस में जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्मों के बारे में आपको बताया था, वहां पे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन हिमाचल पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके साथ साथ एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की स्टैटिक जीके की क्लास को। प्रैक्टिस सेट डेली विजयपथ एजुकेशन आपके लिए लेके आता है। सो पहला क्वेश्चन है, इन विच अमोंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा ऑफ प्लग बास फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, यानी कि हल के जो प्रमाण थे वो मिले थे, वो हमें बताना है कि कहां से हमें जो है वो प्रमाण मिले थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा या फिर लोथल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली से जो है वो हल के जो कुछ अवशेष हैं वो हमें मिले थे। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे रहेगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि ये जो बनावली है वो कहां पे है, हरियाणा के हिसार जिले में है, किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। ये हड़प्पा कालीन स्थल है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज जो है वो 1973 में की गई थी, 1973 में इसकी खोज की गई, आर एस विस्ट ने इसकी खोज की थी और वहां से मिट्टी के बर्तन जो है, तांबे की कुछ चीजें, हल्का टेराकोटा और जो ऐसी कुछ चीजें जो है वो हमें मिली हैं। और ये जो है वो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ही महत्वपूर्ण जल निकास प्रणाली का वहां पे क्या था, अभाव था, और बाकी चीजों में था जो जल की प्रणाली थी उसको काफी अच्छे तरीके से वहां पे सुधारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और उसके साथ साथ धर्म सूत्र हैं, ये सारी चीजें वेदों की ही छोटे छोटे उसके सब पार्ट्स हैं, तो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, हिंदी, पाली, प्राकृतिक या फिर संस्कृत भाषा में। तो पहले टाइम में संस्कृत भाषा का काफी यूज किया जाता था, अब हिंदी भाषा का काफी यूज किया जाता है। आपको बताना है किस भाषा में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा में जो है वो सारी की सारी चीजें लिखी गई है। नेक्स्ट इसमें यही बताया गया है, ये सारी चीजें भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, धर्म ग्रंथ है वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, वेद कुल चार टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार मुख्य जो हैं वो क्या हैं, वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात करें ऋग्वेद, और सबसे अंतिम वेद की बात करें, सबसे न्यू वेद की बात करें, जो सबसे नया वेद है वो है अथर्ववेद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित थे, जो कैवल्य थे वो किस धर्म से संबंधित थे, बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख। ये आपको बताना किस धर्म से वो रिलेट करते थे, किससे वो एसोसिएटेड थे। तो कैवल्य जो थे वो थे जैन धर्म से। हमने जो बेसिक हमारी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट थी जिसमें मैंने आपको पेड क्लासेस में जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्मों के बारे में आपको बताया था, वहां पे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो इसमें बताया गया कि कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित थे, और इनको जो है, और जैन धर्म में कैवल्य का मतलब क्या है, जैसे कि वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज, वेद का मतलब है ज्ञान। वैसे ही आपको बताना है कि जैन धर्म में कैवल्य का मतलब क्या है, कैवल्य का मतलब जिसको संपूर्ण ज्ञान हो, सर्वोच्च ज्ञान वाले पर्सन को कैवल्य कहा जाता है। तो ये इनसे जैन धर्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, तो ये एचपी पीएससी जो है इसके साथ साथ एसएससी और आरआरबी, ये एजेंसीज आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 340 ईसा पूर्व, 189, 5,
63 एंड 99 है। तो कब चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे? ये हुए थे 340 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मौर्य वंश के संस्थापक भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म हुआ था बिहार में 340 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये क्या थे? एक भारतीय सम्राट थे, भारत के एक राजा थे। कहां पे जन्म हुआ? बिहार में जन्म हुआ, बिहार की राजधानी पटना। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त स्वामी भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर उनके साथ ही श्रवण बेलगोला चले गए थे और चंद्रगिरी पहाड़ पर रहने लगे थे। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे, उनके स्वामी का नाम पूछा गया कि किससे जो है वो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, जैन धर्म को अपनाया गया था। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। और किससे शिक्षा ली थी? स्वामी भद्रबाहु से शिक्षा ली थी, बिहार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? आपको बताना है कौन सा एम्पायर है जिसको गोल्डन एज ऑफ हिंदुज्म कहा जाता है, मौर्य, मुगल, गुप्त या फिर चोल साम्राज्य। इसका राइट आंसर रहेगा गुप्त साम्राज्य को, जो है गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका? हिंदुत्व का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने की। वैसे हमने मौर्य वंश पढ़ा, मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था, गोल्डन पीरियड जो है वो इसको जाना जाता था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशयन था, काफी बार पूछा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त जब द्वितीय था उसके समय बोध यात्री फहयान भारत आया था, फहयान भारत आया था, घूमने आया था। ये कौन था? चीनी यात्री था जिसने बोध धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद गोरी को 1191 में एक डैश शासक ने हराया था। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, तो मोहम्मद गोरी और किसके साथ वो युद्ध हुआ था जिसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था? पहला ऑप्शन है गाहड़बाल, चालुक्य, मौर्य या फिर चौहान। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चौहान। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है वो तराइन का पहला युद्ध हुआ था। पहले मैंने आपको बता दिया 1191 में तराइन का पहला युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें जो पहला युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी की जो थी वो क्या हुई थी? पराजय हुई थी। मोहम्मद गोरी जो था वो हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। उसकी वजह से उसने उत्तर पश्चिम भारत में अपना शासन जो था वो चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्शा, सिदार पहिए, स्तंभ और दीवारें शामिल है? आपको बताना ऐसा कौन सा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, महाबोधि मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर? तो रथ कहां पे है? सूर्य मंदिर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। 10 रुपए के नोट के पीछे भी इसी का ही चित्र जो है वो दिया गया है। भगवान जो सूर्य है उनके नाम के ऊपर बनाया गया कोणार्क सूर्य मंदिर, वहां पे 10 रुपए का जो नोट है, लेटेस्ट करेंसी इंडिया की, इसमें भी सूर्य मंदिर का ही रथ जो है वो बनाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य मंदिर कोणार्क है कहाँ पे? उड़ीसा में है। हिमाचल में भी सूर्य मंदिर है, नीरथ में। ध्यान रखना, आपको हिमाचल जीके में क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? हिमाचल का सूर्य मंदिर है नीरथ में, नीरथ, ये सोलन में आपका पड़ता है। और इसे जो है वो बनाया किसके द्वारा गया था? जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, नरसिंह देव के द्वारा इसको बनाया गया था 1984 में। यूनेस्को ने इसको जो है वो विश्व हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको एडॉप्ट कर लिया था।
इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें, ये आपका स्थित है कहां पे? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहां पे है? ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो मदुरई शहर है वहां पे ये स्थित है। भगवान और शिव देवी पार्वती को ये समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये चोल वास्तुकला का एक उदाहरण है और महाराजा राजा राज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। महाबोधि विहार, ये बोध गया जो कि बिहार में है, और ये बोध धर्म से रिलेटेड जो है वो ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पारसी नववर्ष को क्या कहा जाता है? यानी कि जो पारसी लोगों का जो नया साल है उसको हम क्या कहते हैं? उगाड़ी, नवरोज, पटेटी या फिर पुथाडू। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नवरोज। नवरोज जो है वो क्या है? वो एक शब्द है जिसको पारसी लोग जो है वो क्या कहते हैं? उनका नया साल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसमें बताया गया है कि नवरोज उत्सव प्रत्येक 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 21 मार्च से उनका जो है वो नया साल शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत या दरबार में सिजदा और पावोस की प्रथा शुरू की थी? SSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HPPSC भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। HPRCA, ठीक है, राज्य चयन आयोग, अभी जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जैसे लैब असिस्टेंट का कंडक्ट हुआ, नर्सिंग का कंडक्ट हुआ, तो इसमें इसी तरीके के पेपर, सुपरिटेंडेंट का पेपर था, इसी लेवल के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्यासुद्दीन बलबन। इसने अपनी सभा में, अपनी अदालत या अपने दरबार में सिजदा और पावोस की प्रथा जो थी वो शुरू की थी। अब इसमें बताया गया बलबन ने ईरानी दरबारी प्रथा को अपने राज दरबार में लागू किया, यानी कि सिजदा और पावोस को लागू किया, और इसने अपने राज्य में रक्त एवं लोह की नीति को भी लागू किया था। रक्त एवं लोह की नीति को भी लागू किया था। बलबन ने फारसी त्योहार नोरोज को मनाना शुरू किया था। अभी हमने पढ़ा कि फारसी जो त्योहार है, यानी कि ये पारसी, ये पारसी हम जिसको बोलते हैं, यानी कि ये नवरोज, ये किसने शुरू कर दिया था? ये ग्यासुद्दीन बलबन ने अपने दरबार में इसको मनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का 10th क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहां पे वो लेके गया था? क्या उसने अपनी राजधानी बनाई थी? आगरा, मुंगेर, लाहौर, दौलतबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली से उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और कहां पे पहुंचा दिया? दौलतबाद में अपनी राजधानी को पहुंचा दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका कि नया नाम है दौलतबाद, वहां पे स्थानांतरित किया, और इसलिए किया ताकि उसको एक सेंटर पॉइंट मिले और वहां से वो पूरे के पूरे उस राज्य के ऊपर अपना जो है वो नियंत्रण या फिर कब्जा जो था वो रख सके। नेक्स्ट 1333 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और हैं। उसके शासनकाल में, यानी कि किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में मोरक्को का प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इबन बतूता, आपने कई बार सुना होगा हिस्ट्री में, इबन बतूता जो था वो भारत में आया था। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला था। 8 वर्षों तक वो वहां पे रहा, उसने एक पोस्ट संभाली, उसका काम भी वहां पे किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए जो है वो दीवान ए अमीर को ही एक मुहिम स्टार्ट की और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उसने जो था वो नाम रखा था। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डेली विजयपथ एजुकेशन के द्वारा आपको स्टैटिक GK गए, जो कि हिमाचल पुलिस, हिमाचल पटवारी, HP TET, उसके साथ साथ ऑल इंडिया एग्जाम जैसे SSC GD, CHSL और RRB NTPC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। इसके बाद हमारा एक ऑफर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, नवरात्रि स्पेशल, जिसमें 400 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। ये हमारा 90% ऑफ का ऑफर आपके लिए रखा गया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करें और साथ में दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर अभी तक डेली क्लासेस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन को आप सब्सक्राइब करें। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।